सर किस तरह का आज ज्ञापन आपको मिला? आज आप समाज पार्टी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इनका कहना यह है कि पुलिस के द्वारा जो है ना इनका हटा दिया गया है और गलत तरीके से अपमान भी करते हैं, जनपद मऊ में उपस्थित थे। आज मऊ कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो है आज जिस तरह से धरने पे बैठे कुछ मांगों को लेकर उपस्थित थे, हमारे सामने मौजूद है, इन लोगों से बात करेंगे और जानकारी का खुलासा करेंगे कि आज किस तरह का इनका मकसद था, क्यों यहाँ पे ये लोग धरने पे आए थे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर पीके सागर, भीम आर्मी प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश। किस तरह का क्या मामला है सर आप लोग? मामला यह है बहुजन समाज के सम्मान का, बाबा साहब के सम्मान का और बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी माननीय हमारे आनबनसान एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और आए दिन देख रहे हैं बहुजनों पे हमला हो रहा है। अभी देखिए रामपुर में घटना हुई है परसों, बाबा साहब का एक सरकारी जमीन पे बोर्ड लगता है और उसको लेकर प्रशासन ने गोली मार दिया, हमारे समाज के 17 साल के 10 में पढ़ने वाला युवा की हत्या कर दी प्रशासन ने। तो योगी सरकार के गुंडे जो हैं प्रशासन है और प्रशासन होश में आए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भीम आर्मी के लोग हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा पहले ये बताइए यहाँ मुख्य कारण क्या है धरने का? पहले मुख्य कारण यही है बाबा साहब के सम्मान के लिए। अच्छा। मधुबन में रविदास जयंती के दिन हम लोगों का शोभा यात्रा बहुत ही ज्यादा दिनों से निकलती है, प्रत्येक दर्जनों गांव से शोभा यात्रा आती है, उसमें वहाँ पे एक पुलिस बूथ है, उस पर भगवा झंडा पहले से लगा था, उसके बगल में बाबा साहब का झंडा भी लगा और उसको इन शरारती और मानसिक अराजक तत्वों ने प्रशासन की मिली भगत पे उतार दिया। फिर दूसरे दिन सारे युवाओं में रोष आ गया और सारे युवा वहाँ पे पहुँचे, फिर गाली गलौज हुआ पुलिस इंचार्ज से और उसने यहाँ पे बोला कि आपको कप्तान से मिलना है। सारे युवा यहाँ पे आए और उसके बाद यहीं पे अभी हैं सारे हमारे साथी, तब तक वहाँ पे एक कांस्टेबल के नेतृत्व में FIR दर्ज कर दी जाती है। 6 लोग नामजद हैं और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ है मुकदमा। प्रशासन दर्ज कर रही है, क्यों कर रही है, तो क्या चाहती है? अगर चार से आश्वासन यही है कि हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो फिर हम बड़े उग्र आंदोलन का रूप लेंगे जिसमें प्रदेश जिला और देश स्तर के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित होंगे इसी कलेक्ट्रेट में। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जिस तरह से आप लोग ज्ञापन दिए उसके बाद जो निर्देश आप लोग को मिला उससे संतुष्टि है आप? अभी कोई निर्देश नहीं मिला है, हाँ इस पे हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, फिर आगे की कार्रवाई की। कुछ तो समय मिला होगा? हम लोग समय दिए हैं उनको, उधर से कोई समय नहीं मिला है। क्यों वकील साहब? कोई समय नहीं मिला है, बट 4 से 5 दिन हम लोग समय लेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन का रूप ले लेंगे। कहीं ना कहीं लीगल सेल की टीम से भी है सर, आइए इनसे भी हम बात करेंगे। आइए क्या सर, क्या आश्वासन क्या मिला है? देखिए जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन नहीं मिला है, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये कहा गया है कि हम कप्तान महोदय को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन उस चिट्ठी से हम संतुष्ट नहीं हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये घटना 24 तारीख को रविदास जयंती के दिन की घटना है। वहाँ बरसों से हमारे समाज के लोग रविदास जयंती पर अपना झंडा रोहण बाबा साहब का झंडा लगाते हैं, हमारे लोग गए अपना झंडा लगाने के लिए, वहाँ के चौकी इंचार्ज द्वारा और उनके जो महतत जो सिपाही हैं उनके द्वारा इनको रोका गया कि नहीं झंडा तुम नहीं लगाओगे, बाबा साहब का झंडा नहीं लगेगा, ये भगवा झंडा लगा है या रहेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। तो हम जिला प्रशासन से यही हमारी मांग है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित है तो उसको तुम जाहिर करो। तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? नहीं हिंदू राष्ट्र से दिक्कत हमको क्यों नहीं है, सबको समान सबको अधिकार, संविधान में कैसे की व्यवस्था, क्या हिंदू राष्ट्र आप एकला चलो कि राजनीति तो करेंगे नहीं अपने लाभ में, हिंदू राष्ट्र घोषित करने से सबको क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको समान व्यवहार, सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा की बात हो। जब वहाँ भगवा झंडा लगा हुआ है पुलिस बूथ पे लगा हुआ है, हमारा झंडा उतार दिया गया और अगले दिन जब मामला वहाँ बढ़ा तो पुलिस कप्तान द्वारा हम लोग को बुलाया गया, हम लोग 4-5 लोग हमारी टीम गई, हम लोग वार्ता किए पुलिस कप्तान द्वारा, ये कहा गया कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जा करके मेरा झंडा उतर गया, हमारे लोगों पे FIR हो गया, नामजद FIR हो गया, अब 20 से 25 लोग अज्ञात में हैं। तो मैं जिला प्रशासन मांग के दो तरह का व्यवहार कैसे संविधान, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संविधान, हम लोग संविधान के अनुयायी हैं, बाबा साहब के लोग हैं, हम लोग अनलीगल काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं जिला प्रशासन से कर रहा हूँ कि एक मुख्यालय पर पुलिस बूथ पर क्यों भगवा झंडा क्यों लहर रहा है, हमारा झंडा उतार करके और उल्टे हमारे खिलाफ FIR दर्ज। सबसे पहले मैं मांग करता हूँ कि उस चौकी इंचार्ज पे वहाँ पे जितने पुलिस लोग उन पर FIR दर्ज होना चाहिए और SC ST के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यह मेरा जिला प्रशासन से मांग है। अगर यह नहीं होगा तो उसी अल्टीमेटम में हमारे सारे लोग आजाद समाज पार्टी लीगल सेल भीम आर्मी हम इकट्ठा हुए हैं, नहीं होगा तो 4-5 दिन में बड़ा आंदोलन हम करेंगे और हमारे अपने लोगों पे जो फर्जी तरीके से फर्जी ढंग से FIR हुआ है उसको वापस करा करके हम दम लेंगे। यह RSS के लोग BJP के लोग, यह दलितों पर अत्याचार करना, शोषितों पर अत्याचार करना इनकी रवैया है और वही दिन है
ये संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि ताकि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, तो हम इसको चलने नहीं देंगे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक सीट बजाने के लिए तैयार हैं, हम होने नहीं देंगे, उनके मनसूबे को हम कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, लीगल सेल के लोग, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, हर लड़ाई हर स्तर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं।